तो दोस्तों अब हमारे सामने आने वाले हैं हमारे पहले फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिटर गब्बर और ठाकुर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए गब्बर और ठाकुर का। अरे ओ तांबा, कितने आदमी थे गब्बर? लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। मैं सांबा नहीं, ठाकुर हूं। सांबा तो धोबी के यहां से कपड़े लेने के लिए गया। तो तू ही बता दे कितना इनाम रखे सरकार हमारे सर पर। गब्बर 2 लाख। कितनी बार तो मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले करके मैं खुद ही पैसे ले लूं, पर ये सोच के रुक गया कि पैसे गिनूंगा कैसे। तूने तो मेरे हाथ पहले ही काट दिए गब्बर। नानी जी अब तक आए क्यों नहीं है? ये हम कैसे पहन सकते? नानी रांझा मिल था तो कॉस्ट्यूम ही मिल का ही होगा ना, इसलिए कह रहा हूं आपने खुशी को स्टेज पर जाने क्यों दिया? हाँ ये आप पहन सकते। व्हाट? हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने आ रही हैं वीना जी और उनकी बहू अपर्णा। वैसे तो सास बहू के नोक जोक हर घर में चलते हैं, लेकिन यहाँ ये बनकर आ रही हैं सलीम और उनकी अनारकली। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए वीना जी और उनकी बहू का। ज़हनसीब, जो एक शहजादे ने एक कनीज को छुआ, एक दीवाने ने अपनी महबूब को छुआ है। मोहब्बत में दुनिया की नजरों में किसका क्या मकाम है इसकी कोई अहमियत नहीं। मोहब्बत करने वालों की हैसियत बराबर होती है अनारकली। शमा जल रही है, परवाना भी जल रहा है। हमें इतना प्यार न करिए शहजादी सलीम, क्योंकि अगर हम आपसे बिछड़ जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अनारकली, हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। अरे मिसेस शहजादा, आपकी पार्टनर कहाँ है? जी जी वो आ रही है। आप लोग ही राजा बने ना जी, नेक्स्ट आपकी परफॉर्मेंस है प्लीज। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ नानी जी, अब आपके सामने आ रहे हैं दो प्यार करने वालों का एक और लेजेंडरी जोड़ा। तो आइए स्वागत करते हैं हीर और रांझा का। वो नानी जी तरह से रांझा रक्षा करना। अरे हीर तो आ गई, रांझा किधर है? कहाँ है आप? मतलब कहाँ हो तुम मेरे मजनू? अरे तू हीर है, मजनू को क्यों ढूंढ रही है? हाँ हाँ मतलब रांझा माफ कीजिए, वो थोड़ी घबराहट हो रही है ना, हम फिर से करते हैं। नानी जी पहले तो हीर को मजनू याद आ रहा था, अब नानी याद आ रही है। ए, आप पहन सकते हैं। व्हाट? हाँ No, way. I'm not interested.
आप स्टेज पर जाकर सॉरी बोल दीजिए। छोटे, का हम यही सिखा रहे हैं आपको कि मुश्किल घड़ी माँ पीठ दिखा के भाग जाए? अगर ये कौन दिल बहलावे का खेल नहीं होता, आपके बिजनेस का काम होता और आपकी पूरी तरह तैयारी नहीं होती तो आप भाग जाते? नानी, let's face it, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, एक स्टूपिड सा कंपटीशन है। ये बात हमारे लिए उतनी जरूरी है जितने के आपके लिए बिजनेस का काम। हम भी ख्वाहिश की आपकी नजर में कोनो कीमत नहीं। आपकी पत्नी का सबके सामने मंच पर मजाक उड़े, ये बात आपके लिए कोनो मायने नहीं रखती। ठीक है, हम जान गए। ये लीजिए, लीजिए। नहीं खुशी, भागते तो झूठे, सच्चे तो डटे रहते। हम हीर है और आज हमारी शादी हो रही है। अरे किससे हो रही है शादी, रोमियो मजनू या नानी से? खुशी, मुझे एक लाइन नहीं आती है। नानी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। अब तुम कुछ करो, कुछ बोलो और जल्दी बोलो खुशी। हीर। अरे भाई, अब तो राजा भी आ गया, अब तो लव स्टोरी को आगे बढ़ाओ। जिसको जी जान से चाहते हैं, जब उसे नजरों के सामने पाते तब आंखें बोलती हैं, सुबान नहीं। ये हम जानते हैं, ये आप जानते हैं। ऐसे में सवाल वही करते हैं जिन्हें प्यार क्या है, इसकी हवा तक नहीं। शुरू करेंगे, आप वो पूरा कीजिए। आज ही रांझा की शादी है। जिसकी बांसुरी की धुन सुन के मुझे जवान होने का एहसास हुआ, जिसकी सिर्फ एक नजर से मुझे खुद के होने का एहसास, जिसने मेरे लिए हर सितम सहे और जिसके लिए मैंने हर सितम भुला दिया, जिससे मैं बहुत वक्त तक मिलती रही और जिससे बहुत वक्त तक जुदा रही। आज उसी रांझे से मेरी शादी होने जा रही है। मैं कहने को हीर, लेकिन दिल से रांझा। रांझा रांझा कहते कहते दीवानी हुई, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। समझ नहीं पा रही हूं
अपने रांझे के लिए कितना सजू। शीशा देखो तो भी तुम ही नजर आते हो। शादी की मिठाई। इतनी मीठी कैसे हो सकती है कोई मिठाई? लगता है हमारे दिन मीठे हो गए, हमारी खुशियों की चाशनी हर चीज में घुल गई है। आज मैं जहर भी खा लूं तो वो भी मीठा लगेगा। खुशी बता देना कब आना। बस थोड़ी देर में। और फिर? फिर आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी और रांझे की जिंदगी की सबसे बुरी घड़ी आएगी। मतलब? हम मर जाएंगे। ये में क्या हो रहा है? रांझा, रांझा! उठो हीर, हीर एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो। हीर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना रांझा कुछ नहीं है। हीर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, अपने मन को बहला रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब जो किया, जब जो कहा, सब भूल जाओ, बस वापस आ जाओ। आज किसी और चीज का कोई मतलब नहीं, किसी झूठ का, किसी सच का, बस एक चीज का मतलब है, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। नहीं कहा था नहीं कि हीर के बिना रांझा का कोई वजूद नहीं है। अगर हीर ही जिंदा नहीं है तो रांझे की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यहां ना सही, शायद कहीं और एक दुनिया होगी जहां तुम और मैं कभी अलग नहीं होंगे। Yeah.